कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन है और मानो सब कुछ थम गया हो, हर चीज जैसे रुक गई हो और इन्हीं में से एक है शादी। लॉकडाउन के कारण कोई ऑनलाइन शादी करने को मजबूर है तो कोई पोस्टपोन कर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी एक अनोखी शादी की खबर सामने आई है। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते एक कपल शादी नहीं कर पा रहा था, ऐसे में रोहतक कोर्ट ने कपल की बड़ी मदद की है। खबरों के मुताबिक निरंजन कश्यप नाम के शख्स को साल 2017 में ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के जरिए मेक्सिको की डेना से प्यार हो गया था। दोनों की शादी के लिए डेना और उसकी मां भारत आ गई। 17 फरवरी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए एप्लीकेशन भी डाला और 30 दिन का नोटिस मिला। कश्यप ने बताया कि नोटिस 18 मार्च को खत्म हो रहा था, लेकिन तब तक लॉकडाउन की घोषणा हो गई और हम शादी नहीं कर पाए। फिर हमने डीएम को एक एप्लीकेशन दी, जिसके बाद हमारी शादी करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर ने हमारी मदद की। निरंजन और डेना की शादी करवाने वाले वकील ने बताया कि दोनों हमारे पास आए, लड़की मेक्सिको की है इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं। फिर हम डीएम के पास गए और उन्होंने मेक्सिको की एजेंसी से संपर्क कर एनओसी ली। एनओसी मिलने के बाद डीएम ने कोर्ट खुलवाई और 13 अप्रैल रात 8 बजे दोनों की शादी करवाई गई। बता दें कि देसी छोरा विदेशी मेम की सगाई साल 2018 में हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी रुक गई थी। न्यूज डेस्क।